वडोदरा शहर में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव के मामलों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन भी अब सतर्क दिख रहा है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए नगर निगम भी अपनी तरह से पूरी सतर्कता बरत रहा है। हम बात करें वडोदरा शहर के नागरवाड़ा इलाके की, तो नागरवाड़ा इलाके में से ही 100 से ज़्यादा मामले कोरोना के पॉजिटिव सामने आ चुके हैं और नागरवाड़ा इलाका जो है वह कोविड-19 के लिए एपिक सेंटर बन चुका है। ऐसे में इस इलाके में जो दवाई है उसका छिड़काव करने की कार्यवाही आज प्रशासन के द्वारा की गई। नागरवाड़ा इलाके को जब रेड जोन घोषित कर दिया गया है, उसी के बाद प्रशासन के द्वारा लगातार यहाँ पर सतर्कता बरते हुए, सावधानी बरतते हुए कई कार्यवाही की गई है, कई तरह के कार्य प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि इस पूरे इलाके को सैनिटाइज करने का और इलाके में दवाई का छिड़काव करने का काम आज प्रशासन ने किया है। आपको बता दें राज्य मंत्री योगेश पटेल की दरखास्त के चलते प्रशासन के द्वारा लगातार यहां पर कार्य किया जा रहा है।